मयूर, हलचल नजर आ रही है और जैसा आप बता रहे थे कि सबसे पहले वोट करने जाती हैं मायावती, तो लग रहा है पहुंचने ही वाली हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब चर्चा इस बात की हो रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जब अपना वोट कास्ट करके निकलेंगी तो यहाँ पर वो मीडिया से इंटरेक्ट। करण भूषण सिंह को पर्याप्त शिक्षा दी जा चुकी है और वो बहुत परिपक्व है और एक बहुत आकर्षण है उनके अंदर आदमी को खींचने का, ये गार्ड गिफ्टेड है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जिसको लेकर के हम लोग प्रसन्न हैं। अब देवी पाटन मंडल की राजनीति, पत्नी सांसद हुई 32-33 साल का सफर संसदीय क्षेत्र में रहा, उसके अलावा लगभग 40-45 साल से हम क्षेत्र की जनता से जुड़े हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से रोचक रहने वाला है? कर्ण भूषण अगर मैदान में है तो जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? और देखिए, आशीर्वाद अगर दे रहे हैं तो एक मिनट, आपका भी वही सवाल है, आपका भी सवाल। करण भूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं और ये जो माहौल बनता है ये एक दिन में नहीं बनता है और जो हमने 5 साल इधर या लगातार जो हमने संबंध बना करके रखे हैं, मेहनत करके रखा है, तो उसका फायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। और 287,000 से पिछला चुनाव के अंतर से हम जीते थे, इस बार हमारा मानना है कि बहुत बड़ी मार्जिन जी। आप इसको अब कहाँ तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ी मार्जिन, डबल भी हो सकता है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात सर, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं इस बार, हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं और ये जो चुनाव है आपके चेहरे पे आप मानते हैं कि इस लोकसभा सीट पे? देखिए, किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है और हम कह सकते हैं कि 75% में हम हैं, 25% में सब हैं। और करण भूषण सिंह को हमारे बेटे हैं तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। लेकिन ये चुनाव हमारा चेहरा तो है ही, लेकिन करण भूषण सिंह में स्वयं बहुत आकर्षण है। आप मिलेंगे, अभी बातचीत करेंगे, आप देखेंगे कि इतना गंभीर बच्चा और शायद आपको देखने में पॉलिटिकल परिवार में मिले हैं, मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। एक सवाल और है कि आपने राजनीतिक गुरु और एक पिता के तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा करियर रहा है आपका, कोई टिप्स, कोई उनको सीख दिया है कि एक लंबे करियर के तौर पर वो रह सके फील्ड में? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं देता ही रहता हूँ। हाँ। जैसे मैंने बचपन में कहा था, देखिए मुझे तमाम पदवियों से नवाजा जाता, तमाम मतलब कुछ छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन मैंने एक सीख हमारे गुरु ने दिया था, वो हनुमानगढ़ी के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे हरिशंकर दास जी। उन्होंने हमसे कहा था, बेटा किसी शरीफ को और किसी गरीब को कभी तकलीफ मत देना, जाने अनजाने हो भी जाए तो उससे माफ़ी मांग लेना और दूसरा प्रण करना कि कभी किसी गरीब और शरीफ से आपका कोई झगड़ा ना हो। और ये संस्कार हमने बच्चों में डाला है और हमारे बच्चों में कोई ईगो नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है पॉलिटिकल परिवार के बच्चों में ईगो आ जाता है कि मैं सांसद का बेटा हूँ, मैं तो लैंड क्रूजर से चलता हूँ, ये ईगो नहीं है। और आज भी हम लोग गाय भैंस से सबसे जुड़े हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, इसीलिए मैं गांव में रहता हूं। नेताजी, आपने हाल में ही अपने राजनीतिक पारिक की समाप्ति की घोषणा की, आपने कहा कि अब संन्यास ले लेंगे, अब तो मैं एकदम खुला खुला महसूस कर रहा हूं, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आने वाले टाइम में उसका फायदा आप किसी और भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, समाज सेवा में या फिर अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन में कुछ और भी कार्य? देखिए, समाज में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सुधार की जरूरत ना हो, यहाँ तक कि हमारे लोग या युवा पीढ़ी के आगे भी
ये भी नहीं जानते हैं कि लेटना कैसे चाहिए, ये भी नहीं जानते हैं कि श्वास कैसे लेना चाहिए, ये भी नहीं पता है कि 4 बजे सुबह उठने का क्या मतलब है, 5 बजे सुबह उठने का क्या मतलब है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, मैंने एक नारा दिया था, पहले मेरा नारा था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। बाद में उस नारे को बदल करके मैंने कर दिया स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। और लोग नारा देते हैं, मैं उस पर काम करता हूँ। जैसे कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि स्कूल कॉलेज है, तो स्कूल कॉलेज मुझे याद है कि एक बार अखिलेश जी थे, जिनके कॉलेज हैं, बहुत बड़े कॉलेज, अभी राजसभा मेंबर थे, मंत्री भी थे, सुशांत हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप लखनऊ में क्यों नहीं बनाए। हमने कहा देखिए, मेरा पर्पज बिजनेस नहीं है, हमारा देवी पाटन मंडल शिक्षा में जालौन के बाद दूसरे नंबर पर था, एक समय था, और उस समय मैंने व्रत लिया था कि इसको आगे लेकर के जाना है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे देवी पाटन मंडल, ये चारों जिले ले लीजिए, कोई भी, चाहे सिविल सेवा का कोई रिजल्ट आवे, चाहे नीट का आवे, कोई ऐसा खाली नहीं जाता। जैसे आज भी मेरे गांव का ही एक मौर्या PCS बना है, मेरे घर के जस्ट बगल दाहिने तरफ जब गेट के पीछे, घर के बगल एक अभी पटीदारी का लड़का IPS बना है, परसपुर की एक लड़की IAS बनी है, बहराइच के भी कई लड़के बने हैं। तो ये सब चीज़ें, हो सकता है मेरा डायरेक्ट कोई वो ना हो, लेकिन मैं सुन रहे थे आप ब्रजभूषण सिंह को, जिनके बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं और जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि सेफ सिटी उनकी है और इस बार भी वही जीतेंगे। वही